राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम धनु राशि और लग्न वालों का मई का महीना कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे, साथ ही इस महीने के शुभ और अशुभ दिन बताएंगे और बताएंगे वो खास उपाय जिसको करके धनु राशि और लग्न वाले इस महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धनु राशि और लग्न वालों के लिए यदि ग्रहों का गोचर देखा जाए तो इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। 1 मई को देव गुरु बृहस्पति मेष राशि की यात्रा को पूर्ण करके वृषभ राशि में 12 साल बाद गोचर करेंगे। सूर्य 13 मई तक अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे पंचम भाव में और 14 मई को वो छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध मेष राशि में 10 मई को प्रवेश करेंगे। शुक्र यहां से पंचम भाव से निकलकर मेष राशि से छठे भाव वृषभ राशि में 19 मई को प्रवेश करेंगे। राहु और मंगल पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में अंगारक योग बना करके विराजमान रहेंगे। शनि आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। केतु आपके दशम भाव आजीविका के भाव में कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो धनु राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से पूरे महीने रहेगा। बंधुओं, अब प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा करते हैं। बंधुओं, प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास व्यक्तित्व मान सम्मान का भाव है। प्रथम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो भी धनु राशि और लग्न वाले लोग हैं वो मई महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नौकरी और व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्य पर लगे रहें, आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार पिछले महीने की अपेक्षा अधिक मई महीने में देखने को मिलेगा। बंधुओं, बात करते हैं दूसरे भाव की। ये धन का भाव है, वाणी और परिवार का भाव है। इस भाव के अधिपति शनि देव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन आगमन में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर परिश्रम से आपके धन में वृद्धि होगी। वाणी की मधुरता को बनाए रखें। मन इस महीने आपका आनंद में रहेगा। परिवार का भी आपको भरपूर सहयोग इस महीने में प्राप्त होगा। बंधु, चर्चा करते हैं तृतीय भाव के फलों की। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन मित्रों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नौकरी में आपका कोई परिवर्तन हो सकता है। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाई बहन और मित्रों के साथ आपका समन्वय अच्छा रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव है, नए वाहन का भाव है, माता का भाव है। यहाँ पर राहु मंगल का पूरे महीने अंगारक योग बनेगा जो कि आपके क्रोध में वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही आप इस महीने कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, विशेष रूप से यदि कोई प्रॉपर्टी का मामला है। यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। प्रॉपर्टी के काम में कोई भी जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी खरीदते समय पेपरों को अवश्य चेक कर लें कि ये पेपर सही है कि नहीं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके आकस्मिक धन लाभ का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके संतान सुख और प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ पर शुक्र बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपका मन मुटाव हो सकता है, इसलिए संतान पक्ष से सामंजस्य बना करके चले। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। अपनी क्षमताओं के साथ आप इस महीने आगे बढ़ते रहिए तो आपको नौकरी हो या व्यापार सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। ये भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। पेट और हड्डियों से संबंधित आपको परेशानियां इस महीने आ सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण बना करके रखें। धन आगमन अच्छा है, इसलिए अपने आर्थिक भार को कम करने का प्रयास करें, यानी कि कर्ज
को उतारने का प्रयास करें, ना कि कोई नया कर्ज लेने की स्थिति बने। शत्रु पक्ष से सावधान रहें, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखेंगे तो आपके कर्जे भी कम हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस भी इस महीने बढ़ सकता है। इसलिए व्यर्थ के खर्चों को पूरी तरह से नकारते हुए आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो विवाह के योग्य जो जातक धनु राशि और लग्न वाले हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव इस महीने मिल सकते हैं। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद से बचें, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। व्यापारिक साझेदारियों से इस महीने लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर भी इस महीने आपको प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव पर राहु का दृष्टि संबंध है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। आकस्मिक परेशानियां धनु राशि और लग्न वालों के इस महीने सामने आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान हो जाएगा, इसलिए आप धैर्य को बना करके रखें। इसके साथ ही आपके मन में व्यर्थ के भय बने रहेंगे, उन भयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के अधिपति सूर्यदेव शुरुआती दिनों में आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद 14 मई को छठे भाव वृषभ राशि में चले जाएंगे। नवम भाव आपके भाग्य का, आपके धर्म का और उच्च शिक्षा का भाव है, तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगा। भाग्य के साथ ही आप कर्म पर भरोसा करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि कर्म करें तभी आपका भाग्य आपको सहयोग प्रदान करेगा। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की। ये आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय करने से बचें, क्योंकि केतु यहाँ पर विराजमान है। राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके दशम भाव से है, तो राहु भ्रम की स्थितियां पैदा करता है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखकर के चलें। पिता का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, यानी कि लाभ का भाव है। एकादश के अधिपति शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसलिए धैर्य बना करके अपने कार्य क्षेत्र पर इस महीने आप लगे रहें। बंधुओं, चर्चा करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव खर्चों का भाव है, विदेश और कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों का भाव है। इस भाव के अधिपति मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं। खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखें, आकस्मिक खर्चे इस महीने आपके सामने आ सकते हैं। विदेश संबंधी कामों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में तो आपका कोई विवाद चल रहा है, उससे में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो बंधुओं, हमने धनु राशि और लग्न वालों के प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा की। अब बात करते हैं इस महीने कौन से दिन आपके लिए शुभ होंगे और कौन से अशुभ। इस महीने की 4, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 29 और 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 5, 6, 13, 14, 15, 23 और 24 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप नौकरी हो या व्यापार, इन स्थानों पर वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि बात करें धनु राशि और लग्न वालों के लिए उपाय की, तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की इस महीने उपासना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण के इस द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम एक माला प्रतिदिन जप कीजिए और मंदिर में केले का दान दीजिए, तो धनु राशि और लग्न वालों के लिए मई का महीना बहुत उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।